तो अगर आप आमिर माजिद के बहुत बड़े फैन हैं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। आप चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं बोलने वाला हूँ 100% सच। जो भी आप लोग कह रहे थे कि अटैक हुआ आमिर माजिद पे, या मैं कह रहा था पहले वाली दो वीडियोस पे, वो सब मतलब कि गलत निकला। जो भी हम कह रहे थे काफी ज्यादा गलत निकला। एक्चुअली मैं काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा था आमिर माजिद को लास्ट दो वीडियोस में, कि मेरे को लगा उन पे अटैक हुआ है, सबको लगा, और काफी लोगों ने मतलब हजारों वीडियोस आई आमिर माजिद पे। काफी लोग एक कुछ किसी कोई भी रियलिटी किसी को भी नहीं पता है, एक दूसरे का कंटेंट देख के वही बोले जा रहे हैं, वही बोले जा रहे हैं, वही बोले जा रहे हैं कि आमिर माजिद पे अटैक हुआ, अटैक हुआ, अटैक हुआ। इस वीडियो में पूरी रियलिटी बताऊंगा, और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसमें हम दूसरा पहला पहलू भी जानेंगे अच्छे से। बट इसी वीडियो से पहले ना, जब तक मेरे को सच नहीं पता, मैं आमिर माजिद के सपोर्ट में एक और वीडियो बना रहा था, मैं दिखा रहा था कि वो कहां से आया, मतलब कितना बंदे ने स्ट्रगल किया। आप थोड़ी सी वाली क्लिप देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो ये नीचे आप जनाब देख सकते हैं, और सामने जो आपको रोड दिख रहा है, यही वाला रोड जाता है आमिर माजिद के विलेज के लिए, जो कि संगलदान में आता है, छछवा विलेज। तो ये देख सकते हैं कितना पहाड़ी इलाका है, हिली एरिया, इतनी दूर से बंदा इतनी मेहनत करके इतनी आगे जाके निकला। मतलब जिस इलाके में वो रहता है ना, ये सामने वाला रोड जाता है, वो इससे भी काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड इलाका है, काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड इलाका है। तो यही वाला रोड जाता है सामने वाला, और इस पहाड़ के काफ़ी ज़्यादा पीछे कुछ और पहाड़ों के पीछे उसका विलेज आता है। तो आपने जैसा कि क्लिप देखी, आपको मतलब मैं काफी ज्यादा वो वाली वीडियो डालने वाला था कि आमिर माजिद कहाँ से ग्रो अप करके कितने ज्यादा उन्हें लोकल्स को सपोर्ट करा है, मोटो व्लॉगर्स को सपोर्ट करा है, म्यूजिक वाले टैलेंट को प्रमोट करा है। काफी ज्यादा मैं उनके पक्ष में वीडियोस डाल रहा था, बट जब मेरे को रियलिटी पता लगी, मेरी कुछ ऑफिशियल लोगों से बात हुई, मेरे को पूरी सच पता लगी, पूरी बात पता लगी। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ शेयर करने वाला हूँ, और ये मेरी गारंटी है, अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो ना, इस वीडियो के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप आमिर माजिद के फैन है, मतलब आंखें बंद करके आप आमिर माजिद से प्यार करते हैं, कुछ अंत वक्त जैसे आमिर माजिद से, मतलब आप कोई उसके खिलाफ सुन ही नहीं सकते। अगर आपको लगता है आमिर माजिद बिल्कुल सही है, सही है, सही है, तो आपको वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली, क्योंकि इस वीडियो में बोलने वाला हूँ सच। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आप सब लोगों ने वीडियो देखी कि सब कह रहे कि आमिर माजिद पे अटैक हुआ, अटैक हुआ, अटैक हुआ। सब लोग क्या करें ना, आमिर माजिद के अटैक को सिद्धू मूसे वाले जी पे जैसे अटैक हुआ था, कुछ लोग उनको जान से मारने आए थे, गैंगस्टर्स, और उनको जान से मार भी दिया था। तो सभी को वो अटैक लग रहा है कि आमिर माजिद पे भी सेम ऐसा अटैक करवाया है। काफी लोगों को लग रहा था यूके जीरो साउंड राइटर ने करवाया, काफी लोगों को लग रहा था एलविश यादव ने करवाया। मैंने पहले वाली वीडियो में भी कहा था कि वो बंदे ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, और ऐसा ही है, और मैं अब इस बार प्रूफ के साथ आया हूँ। अटैक किसने कराया है वो भी बता दूं मैं आपको, पूरी घटना सुनते हैं, स्टार्टिंग से बता दूं हुआ क्या था। काफी लोगों को लग रहा था ना कि वो बाइक पे जा रहे थे, कुछ लोग आके और रैंडम से उनको मारने लगे, ये वो। आमिर माजिद अकेले थे, काफी लोगों ने 10 से 12 लोगों ने उनको मारा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा आमिर माजिद खुद अपने इंस्टाग्राम पेज पे कह रहे थे, बट ऐसा नहीं है, रियलिटी क्या है। चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको बता दूं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, गाइस सब्सक्राइब कर दे। मैं हूं शिवम, और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब कर दे, और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात ये है कि आमिर माजिद अपने फ्रेंड एमए शेख के साथ और इश्तियाक के साथ सिद्रा के कैफे में थे, जहाँ पे वो कॉफी वगैरह पी रहे थे। वहीं बाहर कुछ लोकल्स लड़के खड़े थे, लोकल्स में से दो लड़के अंदर आए कैफे के अंदर, वो कॉफी लेने के लिए, एक बंदे ने कॉफी का ऑर्डर दिया वहीं पे। इतने बीच में उसने आमिर माजिद को देखा, उसने कहा कि आप आमिर माजिद हो, तो इतने में उसकी आमिर माजिद से बात हुई, और बात होते होते उन दोनों की बहस स्टार्ट हो गई आमिर माजिद और उस लड़के की। आमिर माजिद ने क्या किया, उसको धक्का दिया स्टार्टिंग में, आमिर माजिद ने उसको धक्का दिया, वो धक्का देती आमिर माजिद ने उसको थप्पड़ मारा और उसको घिरा दिया। जैसे कि आमिर माजिद ने उस बंदे को गिराया ना, तो काफी जो कैफे में और भी लड़के थे वो सब उस बंदे को लोकल को मारने लग गए, काफी ऊपर से 5-6 लड़के जो आमिर माजिद की सपोर्ट में आके उस अकेले लड़के को मारने लगे। जो दूसरा लड़का वाला, दूसरा लड़का भी उसके साथ था, बट उस एक लड़के को काफी ज्यादा उन्होंने मारा। इतनी देर में जब उसको मार रहे थे, आमिर माजिद ने क्या किया, टेबल का टॉप उठा के उस बंदे के सर के ऊपर मार दिया। तो उस बंदे के ऊपर जैसे टेबल का टॉप फेंका, उसको काफी ज्यादा इंजरीज आई हैं, ये बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ, मेरे को ऑफिसर्स द्वारा पता लगा है, और उस बंदे का भी मेडिकल हुआ है जिसपे आमिर माजिद ने टेबल से मारा। ठीक है, जब उस बंदे को मारा, फिर उसके बाद आमिर माजिद साइड पे हो गया, और वहां पे उसके साथ में एम ए शेख भी था, इश्तियाक भी था, और भी काफी लड़के थे, मतलब 6 से 7 लड़के थे जिन्होंने अकेले उस लड़के को मारा है। ठीक है, इतनी देर में क्या हुआ, जो उस लोकल लड़के के बाहर दोस्त खड़े थे उनको पता लग गया, और उनने कुछ और दोस्त पर आए, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अच्छे से धोया आमिर माजिद को और इश्तियाक को और एम ए शेख को, सबको मार बजाई, सबको लग रहा था ना कि अकेले आमिर माजिद को बजाय नहीं, सबको मार बजाई। और काफी ज्यादा जो गर्ल फैमिली है ना, वो सब कह रहे हैं अटैक 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 नहीं है ये, मैं आपको थोड़ी देर के बाद बता देता हूँ। इसमें क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आमिर माजिद ने हॉस्पिटल वाली थोड़ी सी वो पिक्स वगैरह डाल दी, हाँ आमिर माजिद को चोट आई है,
बहुत बुरा हुआ, लड़ाई वगैरह नहीं होनी चाहिए थी, बट ये जो सच है ना कि आमिर माजिद ने पहले हाथ यहाँ से उठाया, अगर उनकी बहस हो रही थी, इतने बड़े यूट्यूबर को शोभा नहीं देता है किसी को मारना। हम भी अगर हमको भी बुरा लगता है यार, अगर हम भी उनके फैंस हैं, आप उनके फैन हो, कुछ बहस हो जाती तो वैसे किसी पे हाथ उठाए तो किसी को भी ये चीज शोभा नहीं देती है। इतने में ही क्या हुआ, यहाँ से FIR कट गई, आमिर माजिद की FIR कट। आमिर माजिद ने मतलब जब आपने ट्वीट्स वगैरह भी देखे होंगे, उनके इंस्टाग्राम पेज पे भी काफी ज्यादा ट्वीट्स वगैरह करने को कहा उनने बाकी बंदों को भी। इतने क्या हुआ, आमिर माजिद की FIR काट दी उनने पुलिस वालों ने उन लोकल्स के खिलाफ। तो लोकल्स के ने जब काउंटर FIR के लिए अप्लाई कर, काउंटर FIR करवानी चाहिए, तो वो काउंटर FIR नहीं काटी। तो क्यों नहीं काटी वो भी मेरे को ऑफिशियल से पता लगा, क्योंकि जिसमें भी मतलब आमिर माजिद गए थे कैफे में, वो बाकी राइडर्स कैफे में जाते हैं, वो कुछ पुलिस ऑफिशियल्स के रिलेटिव्स के कैफे हैं या दोस्तों के कैफे हैं, जिस वजह से वो काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं राइडर्स को, बाइकर्स को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और जब भी निकला FIR वगैरह कटती है ना, तो काफी कम बार इनको पकड़ते हैं। इसलिए कम पकड़ते हैं क्योंकि ऑफिशियल्स ने कहा है कि वो जो जितने भी कैफे हैं ना बड़े बड़े सिद्रा में, तो वो किसी पुलिस वाले के रिलेटिव हैं या तो पुलिस वाले के दोस्त के हैं, इस वजह से उन्हें काउंटर FIR नहीं भी काटी लोकल्स की। अब लोकल वाले क्या कर रहे हैं, उन्हें भी मेडिकल वगैरह करवाया, उनको भी काफी चोटें आई है जिस लड़के को उनने पहले मारा था, और उनकी FIR भी नहीं कट रही। आमिर वाजिद वालों की काट दी है बट उनकी नहीं कट रही, उनका कौन सपोर्ट करेगा अब उनका। खाली लास्ट उन्होंने कहा कि हमारा साथ है जो कि है कोर्ट, अब वो कोर्ट में केस फाइल करेंगे। और जो आमिर वाजिद आपको लग रहा है सिंपैथी क्यों ले रहे हैं, मेरे एक तरह से आमिर वाजिद विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और फेक सिंपैथी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पुलिस से बचने के लिए, क्योंकि CCTV की पूरी वीडियो आ चुकी है सामने, मैं आपको पूरी नहीं दिखा सकता, थोड़ी थोड़ी क्लिप्स आपने सामने देखी अभी थोड़ी देर पहले, पूरी वीडियो नहीं दिखा सकता, बट उस क्लिप्स के आधार पर आमिर माजिद को जेल जाना पड़ सकता है। जब वो हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज कर देंगे, छोड़ देंगे, उसके बाद उनको जेल हो सकती है, क्योंकि यहां से हमने स्टार्ट करा था लड़ाई करना, बट एंड किया हुआ। और काफी ज्यादा मतलब लोग क्या कर रहे हैं, सिद्धू मूसेवाले जी के साथ कंपेयर करते हैं, यार उन पे अटैक हुआ था, इस बंदे पे अटैक नहीं हुआ, इनकी फाइट हुई है, समझ रहे हो, इनकी पहले बहस हुई है फिर फाइट हुई है। सब लोगों ने ट्रेंड में लिखा अटैक ऑन आमिर माजिद, अटैक ऑन, ठीक है, मेरे को भी नहीं पता था कुछ टाइम पहले, मेरे को भी बुरा लगा कि यार आमिर माजिद पे अटैक करा ये वो, बट ऐसा नहीं था, सच जाना जरूरी है, चाहे आपको बुरा लगे या मेरे को बुरा लगे, किसी को भी बुरा लगे, आप उनके फैन है, बट सच सच। और काफी लोग लग रहे थे ना बाहर से रैंडम लोग आए मारने ये वो, ऐसा कुछ नहीं, कोई रैंडम लोग नहीं मारने, वो लोकल्स लोग थे, उनकी शक्लें भी CCTV में रिकॉर्ड है। तो आमिर माजिद जिन्हें अटैक करा, जिनकी लड़ाई हुई, अटैक कुछ भी नहीं था, फाइट हुई, बहस हुई जो कि फाइट में होगी, उसके बाद आमिर माजिद ने टेबल से भी मारा उनको, उसके बाद फिर जब बाहर जाके बाद में उन लोगों ने मारा, उसके रिएक्शन में पहले यहां से स्टार्ट हुआ फिर एंड वहां से हुआ, तो दोनों साइड से मार बजी, दोनों साइड से लड़ाई हुई है, उसकी CCTV पूरी वीडियो जो कि पुलिस स्टेशन में जा चुकी है। इसके बाद अब पता लग जाएगा पुलिस वाले क्या एक्शन लेते हैं। बस इसको कंपेयर मत करो यार, इन पागल लोगों की ना वीडियोज मत देखो, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने अटैक कर दिया आमिर माजिद, तो कुछ लोग गालियां दे रहे हैं, गालियां क्यों देनी है, अगर आपको लगता है सही किया ठीक है, नहीं गलत किया तो आप मेरी तरह बता सकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट गालियां वगैरह मत दो। हम चाहते हैं आमिर माजिद जल्दी से रिकवर हो जाए और वो बंदे भी जल्दी से रिकवर हो जाए, बट एक बात है ना, आमिर माजिद के पास फेम है, अब वो जैसे इंस्टा पे यूट्यूब पे ले रहे हैं सिंपैथी, अब लोकल्स की कौन सुनेगा, अगर उन लोकल लड़कों के कल को आप उनके साथ हो, कल को अगर उनके आप उनके फैन है, आपके साथ कुछ ऐसा होता है, तो आपकी कौन लेगा, आपकी कोई भी नहीं सुनेगा। इस वजह से मेरे को ये वीडियो लानी बहुत जरूरी थी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक साइड तो सबने जान दी, दूसरी वाली साइड कौन बताता, तो ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी था, काफी 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 ज्यादा जरूरी था उन लोकल्स की भी सच बताना। इसके बाद आपको जो सही लगे जो बुरा लगे आप कह सकते हैं, आपको गालियां देनी होगी, काफी ज्यादा लोग गालियां देंगे क्योंकि उनको बुरा लगेगा कि मैंने आमिर माजिद से क्यों कहा, क्यों कहा, क्यों कहा, बट जो सच है वो सच जानना जरूरी है, और यही सच है गाइस। तो यही था इस छोटी सी वीडियो।